नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में उनके बलिदान एवं राष्ट्र के प्रति उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 24 अप्रैल को पानीपत में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए गांव-गांव जाकर सबको सादर आमंत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में डीसी ने विभिन्न गांवों में जाकर लोगों से अपील की और श्री गुरु द्वारा साहिब में मत्था टेका। डीसी ने कमेटियों से चर्चा करते हुए कहा कि गांवों से अधिक मात्रा में बसें पानीपत कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर हरियाणा सरकार प्रकाश पर्व मना रही है, जिसका पानीपत में 24 अप्रैल को राज्य स्तरीय ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसको लेकर डीसी श्री गुरुद्वारा साहिब कामाना में पहुंचे। यहां उन्होंने मत्था टेका और गुरु का लंगर ग्रहण किया। सिख कमेटियों से कार्यक्रम को लेकर चर्चा की और लोगों से अधिक मात्रा में पहुंचने की अपील की। कार्यक्रम में लोगों के जाने के लिए रूपरेखा तैयार कर दी गई है। गाड़ियां और बसें गांव-गांव से जाएंगी। कार्यक्रम में जाने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। डीसी ने कहा है कि सभी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। सिख संगत समाज के साथ मिलजुल कर हमारी कोशिश है कि फतेहाबाद जिले से बहुत सारे लोग वहाँ पर पानीपत में पहुँचे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, यही मेरी सोच है। और इसलिए मिलजुल कर हम इस गांव में भी आए हैं, उधर भुन्ना में भी गुरुद्वारा में हम पहुँचे थे, ताकि लोगों को रिक्वेस्ट करें और मैक्सिमम लोग वहाँ पर पहुँच कर और गुरु तेग बहादुर जी को उनको याद करें और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। और संगतों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, जैसे जाने के लिए और टाइम का क्या? यानी कल शनिवार है, कल शाम तक बसें पहुंचा देंगे और संडे को 24 तारीख को सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे यहां से बसें चली जाएं। इसलिए हमारी कोशिश है कि सभी ड्राइवर और बसें हर गाँव में जहाँ जहाँ पर हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, कम से कम टोटल 80 से 100 बसें हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोग वहाँ पर पहुँचें। और जैसे संगत का कह रहे हैं भी खराब बसें होती हैं या रास्ते से पहले ही आ जाती हैं, ड्राइवर वापस ले आते हैं? नहीं, उनके लिए प्रबंध आदेश दे दिए हैं कि कल, आज ही आदेश दे दिए कि कल अपने बसों को सर्विस करा लें, कोई रिपेयर वपेयर कराने वो करवाएं और किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी एक आधी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम स्टैंड बाई रखेंगे और कंट्रोल रूम से संपर्क करेंगे, इमीडिएटली प्रोवाइड करेंगे, बाकी ऐसी दिक्कत आएगी नहीं कोई। और अपील संघ से? हाँ, अलग से पूरा ही हमने सबने मिलजुल कर पूरी अपील करी है और लोगों का जो उत्साह है, जोश है, वो मैक्सिमम लोग यहाँ से पहुँचेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।